दीपाली पवार जो इनके ऊपर जो अधिकारी बैठी है, जाहिर आरोप है, खाली दिव्यांग का नहीं, ये बचत गट का भी जो विषय बहुत बड़े पैमाने पे उसके ऊपर है ना भ्रष्टाचार हुआ है। आज 15-15 साल से एक ही सीट पे बैठे, तो मैं आयुक्त साहब को विनंती करता हूँ, और मैं तो चाहता हूँ, मैं कल ही मुख्यमंत्री से लेकर सचिव तक इनका पत्र व्यवहार करने वाला हूँ। 15-15 साल एक ही कुर्सी पर बैठने का मतलब कौन सा ठेका लेके रखा है क्या, लाइफ मेंबरशिप लेके रखा है क्या? मैं कल के कल ही पत्र देने वाला हूँ CBI CID जो अगर इंक्वायरी करना है उसके ऊपर करना। ये फंड जाता है किधर, ये बहुत बड़ा संशोधन का विषय और ये इसका संशोधन होना ही चाहिए, ऐसे मेरी मांग है। महानगर पालिका के मुख्य द्वार पर, जहां पे दो दिनों से ये दिव्यांग यहां पे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर। इनका सपोर्ट करने के लिए प्रहार संगठन के लोग और मन से नेता संदीप राणे भी इनका साथ देने के लिए आ चुके हैं। यहां पे मैं आपको दिखा दूं, दो दिन से ये सभी लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आज यहां पे डॉक्टर की टीम आई थी इनका चेकअप करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में ऐसा क्या वजह है कि इन दिव्यांगों का सुनवाई मनपा अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं? इन दिव्यांगों की जो शिकायत है, जो इनकी मांग है, उनकी उनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? और ये अब से नहीं, ये 5 सालों से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे अधिकारियों से मिलने आते हैं, लेकिन दिव्यांगों के अधिकारी दीपाली पवार के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। आखिर 15 सालों से वो एक ही जगह बैठी है, मीरा भाईंदर शहर में। मीरा भाईंदर शहर में 3,500 दिव्यांग है, फिर भी वो उनका समय समय उनकी मांगे पूरी नहीं करती है। यहाँ तक कि वो सही तरीके से दिव्यांगों से बात नहीं करती है। मन से नेता संदीप राणे ने उनके ऊपर सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा है कि दीपाली पवार का CBI जांच होना चाहिए कि आखिर जो सरकार की तरफ जो निधि आती है, जो फंड आता है, वो जाता कहाँ पे है अगर इन लोग को नहीं मिलता है तो। चलिए बात करते हैं संदीप राणे से और उन्होंने क्या कहा, और कुछ दिव्यांगों से बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रहार संगठन की तरफ से यहाँ पे दिव्यांग लोग का एक आंदोलन चालू है। कल से मुझे फ़ोन आ रहा है कि हमारे मनसे का हम लोग को समर्थन चाहिए, और मनसे का अगर हमारा सपोर्ट रहेगा तो हमारा एक ताकत बढ़ जाएगा, ऐसे करके गए। 5 साल से ये दिव्यांग लोग है जो आज अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। आज देखा है कि आपने अनेक आंदोलन यहाँ पे हुए हैं, बच्चों करू के साहब के माध्यम से हुआ है, यहाँ पे लोकल हमारे संजय सावंत साहब है, निकम है, और बहुत सी संगठन के लोग हैं इसके पीछे। बहुत मतलब इन्होंने काम करने का सोचा था और नगर पालिका से मांग की थी कि इनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी इतने ये हो गए, बुजुर्ग हो गए कि मतलब आज उनको ऐसा लग रहा है कि अपने किसी से पैसा जा रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का महाराष्ट्र सरकार का जो योजना है उनके लिए है, उनका उनको सुविधा मिल नहीं रही है। आज मीरा भाईंदर में 3,500 दिव्यांग लोग है, 3,500 में से आज 50% लोगों को भी पेंशन नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये नगर पालिका को चेतावनी देता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई अच्छे सिस्टम मंडल का बैठक बुला के इनको न्याय मिलाने का काम करिए। आप खाली बिल्डर लोग के पीछे खड़े रहोगे क्या, होटल वाले के पीछे, लॉज वाले के पीछे खड़े रहोगे क्या? इनके लिए अगर आप निधि खर्चा कर रहे हो तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हो। आपके जो अधिकारी है ना, इनको होश में आना जरूरी है। मैं इनके साथ में हूँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इनके साथ में रहेगी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और आने वाले दिनों में आयुक्तों को इसके ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा, ये आपके माध्यम से कहता हूँ। और नए निर्णय लेंगे तो हम आपके साथ, हम इनके साथ में है, रोड पर उतरने का काम भी हम इनके साथ में करेंगे। आप मानते हैं कि मनपा के अधिकारी बिल्डरों का साथ और होटलों का साथ देते हैं, इन लोगों का नहीं साथ देते? 101%। आप देखो लॉज उसके पीछे नगर पालिका खड़ी रहती है, बेकायदे से बांधकाम उसके पीछे खड़ी रहती है, तो अपंग लोग के लिए क्यों, अपंग लोग वंचित क्यों? आज इतने वो लोग आज बेचारे त्रस्त है, इसके लिए आपके पास वो लोग भीख मांग रहे हैं। आप उनको कोई ये नहीं है क्या, शौक नहीं है कि आपके दरबार पे आके इधर खड़ा रहने का और अपना मांग पूछने का? लेकिन मेरा एक ही कहना है कि नगर पालिका के अधिकारी को ऐसा लगता रहेगा कि इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे और इनको इसको निगलेक्ट करेंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। आपने कहा भीख वाली बात, उनको निधि तो आती होगी सरकार की तरफ से? 101% में उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग भीख दे रहे हैं, मांग रहे करके, समझे कि नहीं? आप निधि उनको आ रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से निधि आ रहा है, इन तक क्यों नहीं पहुँच रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न।
पैसा जा रहा है वही मैं बोल रहा हूँ आपको, पैसा कहाँ जा रहा है ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मुझे लगता है अधिकारी है एक अपना खुद का बिल बना के उसके अंदर पूरा सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। मैं संजय सावंत साहब को और उनके सभी टीम को मांग कर रहा हूँ, कोर्ट में जाके इनका सीबीआई की मांग करी है कि पैसा जाता है किधर, क्योंकि अगर महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार के पैसा आता रहेगा तो जाता है किधर, उसका भी खुलासा होना चाहिए। मुझे लगता है जल्द से जल्द इसके ऊपर दीपाली पवार जो इनके ऊपर जो अधिकारी बैठी है उनके ऊपर मेरा जाहिर आरोप है। खाली दिव्यांग का नहीं, ये बचत गट का भी जो विषय बहुत बड़े पैमाने पे उसके ऊपर है ना भ्रष्टाचार हुआ है। आज 15-15 साल से एक ही सीट पे बैठे हैं, तो मैं आयुक्त साहब को विनंती करता हूँ और मैं तो चाहता हूँ, मैं कल ही मुख्यमंत्री से लेकर सचिव तक इनका पत्र व्यवहार करने वाला हूँ। 15-15 साल एक ही कुर्सी पर बैठने का मतलब कौन सा ठेका लेके रखा है क्या, लाइफ मेंबरशिप लेके रखा है क्या? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर निर्णय होना चाहिए। और आयुक्तों को मैं खास करके बोलता हूँ, आप आईएएस ऑफिसर हो, इससे पहले आईएएस ऑफिसर नहीं थे, नॉन आईएएस ऑफिसर, अभी आईएएस ऑफिसर है, तो आपको कायदा कानून मालूम रहेगा। जल्द से जल्द ये लेडीज़ का बंदोबस्त इसका बदली होना चाहिए, हमारी मांग है। और जो भी भ्रष्टाचार हो उसका सीबीआई के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं कल के कल ही पत्र देने वाला हूँ सीबीआई सीआईडी जो अगर इंक्वायरी करना उसके ऊपर करना, ये फंड जाता है किधर, ये बहुत बड़ा संशोधन का विषय और ये इसका संशोधन होना ही चाहिए। ऐसा हुआ कि हाल ही में एक हफ्ते पहले हम लोग ने प्रहार संगठन की तरफ से मोर्चा निकाला था, उस मोर्चा में जो माजी सैनिक है मुरलीधर होलकर, तो इनका जो अपमान हुआ, जो मुजोर अधिकारी है संजय धोंदे, तो इन्होंने ना तो माफ़ी मांगी है ना तो उनका स्टॉल जगह पे लाके रखा है। इतना होने के बावजूद भी ये गेंडे की चमड़ी के लोग हैं, ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका एक गेंडे की चमड़ी की है। परसों में माननीय हमारे नेता बच्चू भाऊ कड़ू जी से मैं मिला अहमदनगर में, तो उन्होंने इनको फ़ोन लगा के बोला था कि शुक्रवार तक इनका मीटिंग होना चाहिए, तो उन्होंने बोला था गुरुवार को हम लोग 2 बजे मीटिंग लेते हैं। अभी मालूम पड़ा कि वो यहाँ से गायब ही है, आयुक्त गायब है यहाँ से, तो ये बहुत बुरी बात है। दिव्यांगों ने जो मांग की है वो कोई बड़ी बात नहीं है। आज नवी मुंबई में उनको अगर अलॉट होता है, दिव्यांगों को अगर स्टॉल दिया जाता है, 350 के ऊपर वहाँ पर स्टॉल दिए गए और दिए भी गए और सुविधा भी दी, तो ये कौन सी ऐसी मांग कर रहे हैं कि स्वर्ग से कोई उतारने को बोल रहे हैं? उनकी जो मांग है कोई ज़्यादा नहीं है, 248-250 कुछ स्टॉल की मांग की है, तो वो होने चाहिए। आर्य स्टॉल धारकों का विषय इतने सालों से पड़ा हुआ है, वो लगना चाहिए। 93 आर्य दूध केंद्र के परवाने हैं, 50-55 जो शुरू है बाकी के तो ऐसे पड़े हुए हैं, तो वो परवाने वापर में लो। जो गरजू है, जो दीनदयाल हो उनको ये दे दो, जो विधवा महिला है उनको ये स्टॉल चलाने को दो, इस माध्यम से रोजगार निर्माण होगा। लेकिन ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका एक बात नहीं सुनती, मोर्चा निकालने के बावजूद भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इनका कौन है धनी, कौन है इनका, इनके पीछे कौन बिल्डर लोग हैं? ये बिल्डर लोगों की महानगर पालिका है। मैं सीधा आरोप करता हूँ, जो दीपाली पवार है इन्होंने आज इतना अपमान किया है, ये इतना बड़ा शासन का ये प्रोग्राम था दिव्यांगों को जारी शासन जो है थाना में, उन्होंने कलेक्टर और ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त तो, इनको शर्म क्यों नहीं आई? इतना इनको तकलीफ दिया, पीने का पानी तक नहीं था, बेचारे वो दिव्यांग है वो कहाँ से जाएंगे, कहाँ उनको खाने का तक मैं नहीं, इन्होंने मोहताज करके रखा। ये बहुत बुरी बात है, इनको पाप तो है ही इन्होंने, लेकिन इन्होंने गुना भी किया, इनके ऊपर गुना दाखिल करने का। नमस्कार, मैं रामदास खोत, प्रहार दिव्यांग क्रांति संस्था महाराष्ट्र राज्य संपर्क प्रमुख। हमारे दिव्यांग के हृदय सम्राट माननीय मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू भाऊ कड़ू के माध्यम से हम मीरा भाईंदर शहर के दिव्यांगों के लिए 2017 से हम दिव्यांगों के स्टॉल के लिए, दिव्यांगों के पेंशन के लिए और दिव्यांगों को जो घर है, और 2016 का जो शासन निर्णय का जो मुद्दे है उसके लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन मीरा भाईंदर शहर के जो कर्मचारी आयुक्त साहब है, हम 8 दिन पहले एक आंदोलन किया था, आयुक्त साहब काटकर साहब ने बताया कि हम 8 दिन में एक मीटिंग लगवाएंगे और तुम्हारी जी मांगे है हम सब पूरी करेंगे। लेकिन 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, हमारा फोन भी उठा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम कल 11 बजे से हम इधर अमरण उपोषण के लिए बैठे हैं। हमारी 7 मांगे हैं मीरा भाईंदर शहर के, उसमें दिव्यांगों को रोजगार मिलना चाहिए, स्टॉल मिलना चाहिए। दिव्यांगों की मीरा भाईंदर में जितने लोग हैं 4,000-5,000 उसकी गिनती होना चाहिए, और जो महापालिका से जो पेंशन मिलता है, स्टॉल मिलता है, ये 2-3 साल से लोगों ने अर्ज किया है, लेकिन ये अर्ज उन्होंने
कचरे के डिब्बे में डाला क्या, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। महापालिका ये हमें आज कुछ नहीं दे देंगे, हम हमारा उपोषण ऐसा ही मांगे हैं। दिव्यांगों को स्टॉल चाहिए या दिव्यांगों को रोजगार चाहिए, दिव्यांगों को प्रॉपर से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। हम लोग बार बार दिव्यांगों के रोजगार स्टॉल के लिए हमारे रामदास खोज जी और मैं यहाँ पे आके अर्जी दिए, बच्चू पड़ू सर का लेटर भी दिए भाव का हम लोग ने, फिर भी उनके भी लेटर को माना नहीं जा रहा है। और स्टॉल आज दिव्यांग मेरा जो कार्यालय मेरा जो स्टॉल है वो भाव ने कार्यालय डिक्लेयर किया है, उधर सब दिव्यांग लोग आकर रोते हैं तो मेरे से देखा नहीं जाता है। इसलिए आखिर वो तंग आकर मैंने आज हमारा उपोषण आज 24 घंटा पूरा हो गया, मेरे पास ताकत भी नहीं है बोलने की। लेकिन ये जो अधिकारी को अपंगों का दिव्यांगों का कुछ ये नहीं है, वो बहुत गलत कर रहे हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका थाना कलेक्टर ने गलत किया है, दीपाली पवार ने आज दिव्यांगों को भूखे प्यासे 150 दिव्यांगों को वापस लेके आई है थाना से, सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक वो दिव्यांग कुछ खाए नहीं है, एक केला और 5 रुपए का बिस्किट दिया उसने, बहुत गलत किया। जब भी मैंने उसको पूछा हाँ, और खर्चा 7 लाख दिखाया है वो लोग ने, तो ये सब गलत है। अगर दिव्यांग भी एक इंसान है, अगर हाथ पैर टूट जाता है तो वो ये नहीं हुए भेड़ बकरी या जानवर नहीं हुए, उनको भी इंसान समझ के मान सम्मान दो, रोजगार का ये दे। रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों तकलीफें दी जा रही है, क्यों जबकि बोल रहे स्टॉल पास हो चुका है तो दिव्यांगों को स्टॉल क्यों नहीं दे रहा है। आज 3-3, 4-4 साल से दिव्यांगों की अर्जी स्टॉल के लिए गिरे हैं, सब लोगों को स्टॉल दे रहे हैं, सब जगह स्टॉल अलग अलग दे रहे हैं, दिव्यांगों को स्टॉल कब दोगे आप लोग, कब दिव्यांगों को परवाने के ऊपर GST लगाया जाता है, जबकि दिव्यांग दिन में 100, 200, 300, 400 रुपया कमाएगा, कहाँ से GST वो भरेगा। वो GST माफ करना चाहिए, जो दिव्यांग फेरी वाले हैं उनसे पावती फाड़ी जाती है, कम से कम दिव्यांगों तो छोड़ो, अच्छे लोगों से पावती लेते हो बात अलग है, लेकिन दिव्यांगों से 150-700 रुपए की 170 रुपए की पावती ले रहे हो, वो गलत कर रहे हो आप लोग। इंसानियत के नाते आप लोग सोचो, आज बच्चू कड़ू पूरा महाराष्ट्र में घूम रहे हैं तो सिर्फ बच्चू कड़ू ने ही ठेका लेके रखा है दिव्यांगों का, बाकी आमदार क्या कर रहे हैं, बाकी आमदार कब दिव्यांगों को न्याय देंगे, दिव्यांगों के लिए कब भागदौड़ करेंगे। आज उनको 30 लाख रुपया निधि मिलता है, वो निधि वो लोग वापस भेज रहे हैं, दो आमदार हैं। आज हम 2 दिन से मैं प्रताप सरनाइक साहब और गीता जैन मैडम को यहाँ से रेगुलर व्हाट्सएप फोटो भेज रही हूँ कि ऐसा ऐसा, एक आमदार को टाइम नहीं है आने के लिए। हाँ ये गलत है, मेरे को न्याय चाहिए।